हाथों में अपनी लाडली की तस्वीर लिए ये पिता इंसाफ की आस में दर दर भटक रहा है, थानों और चौकियों के चक्कर काट रहा है। लेकिन 3 महीने बाद भी नामजद 7 में से सिर्फ 2 लोगों की ही गिरफ्तारी हुई है। सुबह सुबह निकल रहा हूँ, कभी SSP के पास चले जाओ, कभी CO के पास चले जाओ, कभी थाने चले जाओ, कभी चौकी भेज देते हैं, बोलते हैं 2 महीने का टाइम, 2 दिन का टाइम दो, 4 दिन का टाइम दे दो। मुझे अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए, मुझे जहाँ नखलेव जाना पड़े या मुझे दिल्ली जाना पड़े, मैं जहाँ लौट जाऊँगा वहाँ लौट जाऊँगा। मैं नोएडा के सदरपुर गाँव में रहने वाली मृतका 11वीं क्लास में पढ़ती थी और साथ में पढ़ने वाले लड़कों पर उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। आरोप है कि इन्हीं लोगों ने लड़की की हत्या की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जहर की बात सामने आई है। उधर पुलिस भी जांच की बात कह रही है। लोगों की इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे फैक्ट्स आते जा रहे हैं उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अंकुश का नाम आया और हमें पता चला कि उनसे भी उनकी लास्ट तक चैट हो रही थी, कुछ बातें भी लगातार उनकी हो रही थी, तो उस आधार पर हम लोग अंकुश का इंट्रोगेशन कर रहे हैं और सारे फैक्ट्स का एग्जामिनेशन कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से मामले में कोताही बरती गई है वो भी पुलिस या कार्रवाई पर सवाल खड़े करती है। माता पिता बस ये चाहते हैं कि उनकी लाडली को इंसाफ मिल सके, लेकिन कार्रवाई में हो रही देरी उनके सब्र का इम्तिहान ले रही है। नोएडा से अनिल चौधरी के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय।